हेलो फ्रेंड्स, तो नवरात्रि बस आने ही वाली है और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए कई लोग नवरात्रि में फलाहारी व्रत रखते हैं। 9 दिन के व्रत काफ़ी कठोर होते हैं। इस दौरान अन्न का सेवन न करने से शरीर में कमजोरी आती है और इसीलिए व्रत में कुछ ऐसा भी खाना चाहिए जो शरीर को ताकत दे। ऐसे में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी ही कुछ हेल्दी नवरात्रि की व्रत स्पेशल रेसिपीज़ जो आपको इस नवरात्रि ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी पहली रेसिपी। हमारी पहली रेसिपी है साबूदाना वड़ा। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। उनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद यहाँ पर हम एक हरी मिर्च लेंगे, उसको भी हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च और डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले हैं 3 से 4 घंटे भिगोए हुए साबूदाने। उसके बाद यहाँ पर ये मूंगफली के दाने का पाउडर है, सिकी हुई मूंगफली को पाउडर फॉर्म में कर दिया है, वो डाला है। और हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसका आटा तैयार कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसकी बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से। अब हम बाकी की सारी बॉल्स इसी तरीके से बना लेंगे बचे हुए आटे की। ये हमारी बॉल्स बिल्कुल बन चुकी है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे और जब तेल गरम हो जाए तब हम इसे एक एक करके साबूदाने के वड़े को डालेंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। और ये हमारे साबूदाने वड़े बनकर तैयार है। आप इन्हें दही या हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है साबूदाना का ये नमकीन। ये बहुत ही टेस्टी नमकीन है और बहुत ही झटपट बन जाता है, तो आप इस नवरात्रि इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई और उसमें हम तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे मूंगफली के दाने और इसे तब तक तलेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले हैं ये आलू की चिप्स, ये सन ड्राइड चिप्स हैं। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करके बताइए। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले हैं ये तलने वाले साबूदाने। ये आपको ईजीली मार्केट में मिल जाएंगे। आपको आप जब इसे तलेंगे तो इसके ऊपर इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर ढक्कन ढक देना ताकि इसमें से तेल बाहर ना आए। और जब ये वाइट और बड़े हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें साबूदाना जो हमने तला था वो डालेंगे, मूंगफली के दाने डालेंगे जो हमने तले थे और ये चिप्स डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार सफ़ेद सेंधा नमक, थोड़ी सी पीसी चीनी स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार। और इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमारा व्रत का नाश्ता बिल्कुल रेडी है। व्रत का नमकीन बिल्कुल रेडी है, साबूदाना नमकीन। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इस नवरात्रि पे। अब हमारी अगली रेसिपी है ये फूल मखाना या सिंपल मखाना, व्रत स्पेशल मखाना। आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ताकतवर रहता है नवरात्रि के व्रत के दौरान। आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। अब हम इसमें लेंगे एक कढ़ाई। इसमें मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच घी और उसके बाद इसमें डालेंगे हम मखाने और 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे हिलाते हुए हम इसे सेक लेंगे। आप इसको चेक करने के लिए एक मखाना लीजिए और इसको तोड़ के देखिए। जब ये क्रिस्पी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे मखाने बिल्कुल रेडी है। अब हम इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार सफ़ेद सेंधा नमक। और ये हमारे नवरात्रि में हेल्दी और ताकतवर मखाने की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमारी अगली रेसिपी है ये ड्राई फ्रूट मिल्कशेक। इसको पीने के बाद आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी और साथ ही ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ताकतवर है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल में गरम पानी लिया है। इसमें मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ काजू, बादाम, अंजीर, किशमिश। आप अपने कोई से भी फेवरेट नट्स यहाँ पे ले सकते हैं और उन्हें भिगोकर रख देना है हमें गर्म पानी में लगभग 3 से 4 घंटों के लिए। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन्हें एक छन्नी में छान लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे इस तरीके से। और इसमें हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच दूध,
5 से 6 चम्मच दूध डाल के इसमें मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा केसर। केसर का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है और केसर से कलर भी बहुत ही प्यारा आएगा। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और ये थोड़ा अब थिक है। अब हम इसमें डाल लेंगे दूध, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड दूध इस तरीके से। और इसमें हम डालेंगे चीनी स्वाद अनुसार और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारा एकदम ठंडा ठंडा स्मूथ सा डिलीशियस सा ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बनकर तैयार है। और इसको आप बादाम की कतरन केसर से गार्निश कर सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हमारी अगली रेसिपी है ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी। वैसे साबूदाने की खिचड़ी किस किस की फेवरेट है कमेंट करके जल्दी से बताइए। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल लिया है और उसमें डाला है जीरा हरी मिर्च और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकने देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये उबले हुए आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको हम डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है ये सिकी हुई मूंगफली को क्रश करके पाउडर बनाया है वो डाला है 2 से 3 चम्मच। और ये नॉर्मल मूंगफली है, ये भी सिकी हुई है, इससे भी फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये 4 से 5 घंटे भिगोए हुए साबूदाने हैं हम उसमें वो डालेंगे। और स्वाद अनुसार सफ़ेद सेंधा नमक, स्वाद अनुसार काली मिर्च पाउडर और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार पिसी हुई चीनी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस पिसी हुई चीनी डालने से ना फ्लेवर बहुत ही मज़ा आता, बहुत ही बढ़िया रहता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और बिल्कुल एकदम बाज़ार जैसी जो साबूदाने की खिचड़ी रहती है ना बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे और इसको हम अनार के दानों के साथ गार्निश करेंगे। अनार के दाने और साबूदाने की खिचड़ी इन सभी को मिक्स, मतलब इन सभी का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। अब हमारी अगली रेसिपी है ये व्रत वाले आलू या आलू की सब्ज़ी, ये भी बहुत ही झटपट सी बन जाती है, इसमें बिल्कुल मेहनत भी नहीं लगती है। इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई, उसमें 2 से 3 चम्मच डालेंगे तेल, उसमें डालेंगे जीरा, फिर हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च या तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये उबले हुए आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके वो डाला है और इसमें डाला है 2 से 3 चम्मच सिकी हुई मूँगफली का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद सेंधा नमक और फिर से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारे व्रत वाले आलू या व्रत वाले आलू की सब्जी बनकर तैयार है। देखा ना आपने गाइस कितना झटपट बन गई ये आलू की सब्जी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। वैसे आपकी क्या फेवरेट रेसिपी है व्रत में वो कमेंट करके जल्दी से बताइए। अब हमारी अगली रेसिपी है ये केले की चिप्स या कह लो केले के वेफर्स। उसके लिए हमें चाहिए कच्चे केले। कच्चे केलों को हमें दोनों किनार से हमें इस तरीके से काटना है। अब हम इसे छील लेंगे हमें एकदम अच्छी तरीके से इसे छील लेना है। उसके बाद एक चिप्स कटर से हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। चिप्स कटर में हम इसको इस तरीके से करते जाएंगे,
ये देखिए गाइस कितना परफेक्ट हमारी चिप्स बन रही है, एकदम पतली पतली गोल गोल। अब हम एक कढ़ाई में तेल डाल देंगे, उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जब हमारा तेल एकदम गर्म हो जाए तब हम इसमें हमने जो वो केले की चिप्स करी थी वो हम इसमें डालते जाएंगे एक एक करके। गाइज हमें एक टाइम पे एक ही केले की चिप्स करनी है। अगर आप पहले से सारे केले को काट के रख देंगे और उसको चिप्स कटर में कर लेंगे तो वो काली हो जाएगी चिप्स, इसलिए एक एक करके ही हमें केले की चिप्स कटर से कट करके उन्हें तलना है। और ये देखिए गाइज हमारी ये चिप्स एकदम वाइट है, रेड भी नहीं हुई है, हमारी चिप्स बिल्कुल रेडी है। अब हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार काली मिर्च पाउडर और सफ़ेद सेंधा नमक और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी केले की चिप्स या केले के वेफर्स बनकर रेडी हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।